22 जुलाई दिन शनिवार को ग्रीन डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में पृथ्वी को हरा भरा रखने का संदेश दिया और पर्यावरण के महत्व को बताया। 22 जुलाई को वर्ल्ड ग्रीन डे मनाया जाता है। इसके तहत वातावरण को संतुलित रखने के लिए पर्यावरण का क्या महत्व है, इस बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। वैसे भी आज के परिवेश में वातावरण काफी असंतुलित हो चला है, जिसका खामियाजा भी पूरे विश्व ने विगत 2 वर्षों में भुगता है। इसी हरियाली दिवस को मनाते हुए मरोदा के माइंड पब्लिक स्कूल में इस दिन को विशेष रूप से मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने अपनी छोटी छोटी प्रस्तुतियां देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। माइंड पब्लिक स्कूल के संचालक लोक प्रकाश चौधरी और स्कूल में अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया। इसके पूर्व भी कई ऐसे विषय पर बच्चे अपनी मोहक प्रस्तुतियां देकर जन जागरूकता फैलाने का कार्य करते रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान गुलाल लगाकर किया गया एवं अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के तैलचित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी स्कूल द्वारा किए जा रहे कार्यों की ढेरों सराहना की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही स्कूल के संचालक लोक प्रकाश चौधरी, स्कूल की प्रधान पाठिका एवं कार्यक्रम की संयोजिका ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी। मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हैं, जो वयोवृद्ध हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो इनके द्वारा जो वृक्ष लगाया जाएगा ये आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए लगाया जाएगा और हमारे छोटे बच्चे अपने भविष्य के लिए वृक्ष लगा रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत विकट समस्या है पर्यावरण के, और पर्यावरण की जो विकट समस्या है ये सभी, इससे सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको किसी प्रकार वो नहीं कह सकते। तो हम चाह रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घर पर पौधा लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। ये हमारे बच्चों के माध्यम से, हमारे विद्यालय के माध्यम से संदेश देना चाहिए। आप सबको हैप्पी ग्रीन डे। हमारे आज के अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इस विषम परिस्थिति में, इतनी बारिश में हमारे विद्यालय में आए और हमारा दौरा कर लिया। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वृक्षों को ना काटें और सबको यही संदेश दें, हमारा पर्यावरण ही हमारा सब कुछ है। धन्यवाद। और आज हमारे स्कूल में ग्रीन डे मनाया जा रहा था और ग्रीन डे मना रहे हैं ये क्या
आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौसम भी आज बहुत मेहरबान था हमारे स्कूल के लिए और सारे बच्चों ने पूरा एंजॉय के साथ ही पूरी सारी चीज़ें एंजॉय के साथ ग्रीन डे सेलिब्रेट किया। और जो हमारे गेस्ट आए हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे स्कूल के लिए दिया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज को जो ग्रीन डे मनाया गया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के जो टीचर लोगों ने और बच्चे लोगों का जो तैयारी करवाया, बच्चे लोगों ने जो बहुत सी प्रस्तुतियाँ दी वो बहुत ही सराहनीय रहा। मैं यहाँ के टीचर लोगों को खासकर प्रिंसिपल मैडम दुर्गा मैडम और संचालक श्री चौधरी जी, उन सबका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस तरीके के कार्यक्रम। और माइंड पब्लिक स्कूल को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरीके से प्रगति करता रहे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चे यहाँ अच्छे से शिक्षित हों। जिस तरीके से आज कार्यक्रम दिया है वो बहुत ही सराहनीय। माइंड पब्लिक स्कूल के संचालक एवं शिक्षकों द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कुशल नेतृत्व देने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है और इस स्कूल के बच्चे भी इतने प्रतिभावान हैं कि इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ के बच्चे अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहे हैं और कुछ ऐसा ही सभी स्कूलों में होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए नींव मजबूत हो सके और वे अपने भविष्य की इमारत मजबूत बना सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।